भाई आप लोग को एक चीज और बता देना चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन बीच कर हमेशा मेरा ब्लॉग आने वाला है। रुक गया, वहाँ पे नहीं होगा तो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हाँ वो चल रहा होगा, आवाज आ रहा होगा, फिर अथी हो जा रहा होगा। अब आप लोग बताना कि हाँ ब्लॉग कैसा बन रहा है और क्या बन रहा है और ऐसा चाहिए या कैसा चाहिए जो। सो गाइज आप लोग बताना भाई। इंडिकेटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज हम जो कि संडे राइड पे निकलने वाले थे सुबह में ही, और सुबह में नहीं निकल पाए, और जो कि शनिवार को हम निकल गए थे पतरातू डैम घूमने, और पतरातू जो कि हमें संडे को सुबह में निकलना था। सो कुछ लोग जो कि बिहार से आए हुए थे इस वजह से शनिवार को ही निकल गए थे, और आज तो अभी 4 बज गया, शाम होने वाला है, और अभी फिलहाल निकलते हैं संडे राइड पे और देखते हैं आज का जो कि संडे है तो आज क्या व्यू रहने वाला है बाइक का जो। सो अभी तो मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप के साथ निकल रहे हैं अपने रूम से, और सो गाइस अभी आ चुके हैं मेन रोड पे और देख सकते हो व्यू, और पानी भी पड़ रहा है और धूप भी उगा हुआ है यहाँ पे। अभी का मौसम गजब का है यार, हल्का हल्का हवा भी चल रहा है, हल्का हल्का पानी भी पड़ रहा है और हल्का हल्का धूप भी है। सोच लो कितना मज़ा आएगा ऐसा मौसम में चलने में। सो जब ये तो मोटो ब्लॉग स्टार्ट ही किए थे कि पानी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे चेक कर सकते हो व्यू जो कि पूरा पानी पड़ रहा है, और अभी तो पेड़ के नीचे में रुके हुए हैं, यहाँ तो कम पानी पड़ रहा है बट आगे हमको चलकर रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा और कस के आ गया, और फिलहाल हम लोग पानी में भींग कर निकल गए हैं ब्लॉगिंग करने, क्योंकि आज संडे है तो संडे राइड हम छोड़ नहीं सकते हैं। और अभी फिलहाल धुरवा का प्लान बना है, सो हम लोग धुरवा निकल रहे हैं, और वो चलो कोई नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा। अब तो ब्लॉग बनाने निकल ही चुके हैं तो फिर पानी और ये सबसे क्या डर, धूप हो, पानी हो, गर्मी हो, अंधड़ हो, कुछ भी हो, जब ब्लॉग बनाने निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं। और आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन बीच कर हमेशा मेरा ब्लॉग आने वाला है, जैसा भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हमें एक दिन के बाद राइड पे निकलेंगे ही निकलेंगे। सो गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो हमेशा रेगुलर ब्लॉग आने वाला है इस चैनल पे। तो देख सकते हो आप लोग के लिए हम जो कि पानी में भी निकल जा रहे हैं कहीं भी ब्लॉग शूट करने, और हम लोग पानी में रुक सकते थे बट नहीं रुके, क्योंकि सोचे कि हम निकल गए हैं तो सिर्फ पानी हो या अंधड़ हो, कुछ भी हो, बस निकल जाना है, ब्लॉग शूट होना ही चाहिए। और सो गाइस अभी हम आ चुके हैं रिंग रोड पे, और रिंग रोड से लेनी है हमें लोग को राइट, और चलते हैं धुरवा डैम और वहाँ चेक करते हैं क्या व्यू रहता है जो रिंग रोड का। गाइस आज व्यू आप लोग चेक करो, जो कि कल तो रात को हम आए थे और आज तो हम पहले ही आ चुके हैं। और सो गाइस चेक करो, 4 से 5 किलोमीटर रांची से निकलने के बाद ही रिंग रोड से पूरा यहाँ पे फिर से वही हाल, फिर से गर्मी आ गया गाइस, कोई पानी नहीं, और मेरे बाइक पे देख सकते हो पूरा पानी। कोई इधर देखेगा भी तो सोचेगा कि क्या यार इन लोग पानी में भींग कर आ रहा है। यहाँ से देख सकते हो अभी का रोड का व्यू कितना मस्त दिख रहा है रोड, और आगे में पहाड़ है इस वजह से और भी मस्त दिख रहा है। कोई नहीं यार, देखो फिर से निकला, इसको डालना पड़ेगा हमें स्पॉट मोड में, और उसके बाद चेक करते हैं व्यू। अब आ गया स्पॉट मोड में, अब इसको दिखाता हूँ पावर इस RR310 का। तो अब चेक करो व्यू, और सो गाइस अभी जो कि हम लोग धुरवा के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे विधानसभा, और गाइस अभी तो फिलहाल धुरवा डैम आ चुके हैं, और यहाँ पे चेक करो पूरा व्यू, देख सकते हो ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स लोग भी आते हैं, और बाकी तो अभी हम लोग ब्लॉगिंग करने आ गए यहाँ पे। पता नहीं क्या होने वाला है यार, लेकिन फिर भी चलते हैं, वैसा तो कोई टेंशन है नहीं। रुक गया, क्या हाल है भाई, 360 लिए हुए कैमरा। तो भाई जब भी हम लोग जो कि धुरवा डैम के अभी नीचे चलते हैं पानी के पास, और सो गाइस जब भी आ चुके हैं, ये भी धुरवा का आइलैंड ही बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि पहले तो नहीं था बट अब यहाँ पे साइड में आइलैंड जैसा भी बन गया है, क्योंकि अब नीचे साइड से भी पानी के पास भी आ सकता है गाड़ी घोड़ा, सर घोड़ा घोड़ा क्यों कर रहे हैं यार, घोड़ा नहीं आ सकता है गाइस, हर गाड़ी पानी के किनारे आ सकता है। और सो गाइस जो कि अभी हम लोग धुरवा डैम पे आ चुके हैं, और धुरवा डैम का सबसे मेन जो कि ये तो हमें नया दिखने को मिला, और जो कि साइड से यहाँ पे सारा बाइक पानी के किनारे आ गया,
और सबसे मेन डैम यहाँ पे है गाइस। और बाकी हम लोग उस रास्ता से आए थे, देख सकते हो आप लोग, और वहाँ पे सारे सब लोग बैठे हुए हैं पत्थर पे। सो अभी तो बाकी आगे निकलते हैं, और जो कि अभी हम लोग का बाइक एक साथ में लग गया है, और बाकी यहाँ पे भाई लोग भी ब्लॉगर हैं और बाकी राइड पे भी निकलता है, बाकी अभी बात वत करते हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे फोटो शूट करवा लेते हैं, उसके बाद अभी रील्स बन रहा है बाइक के साथ। वहाँ पे नहीं होगा तो हम स्क्रीन शॉट भेज देंगे। हाँ वो चल रहा होगा, आवाज आ रहा होगा, फिर अथी हो जा रहा होगा। हाँ नहीं होगा तो फिर मेरा माइक से चेक कर देंगे, आ जाना तुम। वो तो है ही, तो दिक्कत होता ही। ठीक है मैसेज करते हैं, तुम मिलते हैं वहाँ पे। सो गाइस अभी राइडर्स लोग मिला और बात वगैरह हुआ, और बाकी तो उन लोग निकल रहा है और हम भी निकलेंगे फिलहाल। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं धुरवा डैम से, और बाकी व्यू आप लोग चेक करो क्या व्यू है यहाँ का जो। तो चलते हैं अभी फिलहाल, निकलते हैं यहाँ से। ओह गजब गाइस, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो यहाँ पे गिरना कन्फर्म है। अभी इन लोग ही साथ में था और पता नहीं, पूछते हैं कहाँ जा रहा है जो। और सो गाइस अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, अभी तो पूरा हाथ यहाँ फिर ही नहीं हो पाया गाइस कि अभी आगे निकल जाए, बट पीछे से ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी तो साथ में निकलते निकलते यहाँ तक आ गए बस स्टैंड, और यहाँ से चेक करते हैं कहाँ जाते हैं जो। सो बाकी देखा जब गए, जब तो साथ में राइड करने में मज़ा आ रहा है। संडे राइड में तो बस दो तीन दोस्त मिला, और राइड आज से हो गया स्टार्ट हम लोग का, और अब थोड़ा सा राइड करने में आएगा मज़ा। अब आप लोग बताना कि हाँ ब्लॉग कैसा बन रहा है और क्या बन रहा है, और ऐसा चाहिए या कैसा चाहिए जो। सो गाइज आप लोग बताना भाई। इंडिकेटर सिर्फ का इंडिकेटर बस एक ही साइड का जला हुआ है। इंडिकेटर बता लो, इंडिकेटर। सो गाइज अभी भाई के पीछे पीछे राइड्स करते ही हम लोग आ गए, और यहाँ पे स्टेशन पे आ गए। स्टेशन से बगल में ही रूम भी है मेरा, और हम लोग को तो ये रास्ता भी मालूम नहीं था। हम लोग जो 10 किलोमीटर का राइड था वो हम लोग 25 किलोमीटर का राइड कर चले, और यहाँ पे देख सकते हो जो कि फाटक है। गजब का फाटक है गाइज यहाँ पे। निकलते हैं हम लोग भाई, ठीक ना? ठीक। और गाइज आज का राइड कर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि आज धूप बरसा, अच्छा मौसम ख़राब मौसम, हर तरह का मौसम में आज हम लोग घूमे। और अभी तो फिलहाल गर्मी भी लगने लगा, और बहुत ही मतलब राइडर्स लोग दोस्त भी मिले, और नेक्स्ट ब्लॉग में सब लोग साथ में भी चलने के लिए बोला। सो गाइज अभी तो हम आ चुके हैं अपने रूम। सो गाइज अभी ब्लॉग को कर रहे हैं, फिर से मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में नए जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।